पहले आप हाउ योर अपब्रिंगिंग इम्पैक्टेड यू। सो आपकी अपब्रिंगिंग क्या थी? आपने अपनी लाइफ में क्या देखा? व्हाट थॉट्स यू हैव टेकन फ्रॉम योर फैमिली? बिकॉज एवरी फैमिली हैज सम बिलीफ सिस्टम, राइट? सो वन फैमिली बिलीव टू मच इन टू द गॉड एंड वन फैमिली डज नॉट बिलीव एट ऑल इन द गॉड। दे आर लाइक वेरी प्रैक्टिकल, दे बिलीव इन देयर ओन कर्मा विच इज ऑल्सो राइट, ओके, बट एवरीथिंग हैज इट्स ओन यू नो वे ऑफ लिविंग द लाइफ। सो जनरली वी टेक ऑल दीज सिस्टम लाइक फैमिली सिस्टम ऑन आर ओन। So basically, it is a rule not only for family constellation, it is a complete rule for all the therapies. Like what we are doing in the therapies, we are just releasing all the bundle of memories which is not working now. Okay. So we are having memories of only not only in this lifetime, we have memories of past life who believes. Okay. एंड द मेमरी ऑफ ईच एंड एवरी थिंग, एज आई सेड कि अभी आपको चोट भी लगेगी तो वो मेमरी वहां पे होगी, ओके, और यही चीजें आगे बढ़ती रही। दैट इज हाउ वी क्रिएट अ पैटर्न इन आर लाइफ कि ये इनके यहाँ ये होते ही रहता है, इस पर्सन के यहाँ डिवोर्स होते हैं और डिवोर्स होते ही रहते हैं बिकॉज देर इज सम नेगेटिव बिलीफ अबाउट मैरिज। सो वेन समबडी इज डूइंग फैमिली कॉन्स्टलेशन फॉर द मैरिज, दे विल अंडरस्टैंड वाई माई मैरिज इज नॉट वर्किंग। इट इज नॉट जस्ट कि मैंने हील कर दिया और सब कुछ हील हो गया, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आपको हर चीज समझ में आएगी कि वाई इट इज हैपनिंग इन माई लाइफ। यू विल गेट ऑल द आंसर्स फॉर योर वाइफ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि हाउ दिस थेरेपी वर्क्स, हाउ वाई वी आर टेकिंग सो मच एंड फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग सो मच, राइट? अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि हाउ फैमिली कॉन्स्टेलेशन वर्क एंड उसको करने से क्या होगा। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट करता है हमारी फैमिली कॉन्स्टेलेशन को या फैमिली को या हमें, इट इज सेल्फ, पेरेंट्स, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर, मिसकैरेज एंड अबॉर्टेड चिल्ड्रन, सिबलिंग, अनरिकॉग्नाइज्ड एक्स्ट्रा मैरिटल चिल्ड्रन, ओके। सो जिसको ऐसा लगता है कि शादी नहीं हुई, इवन इफ यू हैव अ पार्टनर and you had a intimacy with your partner in the sense maybe your girlfriend or somebody to whom you are not married, it is also impact your family, okay, as per the theory of family constellation. ये सारे जो negative patterns या जो हमें समझ में नहीं आ रहा आज इतना chaos क्यों है मेरी family में, ये सारे secrets आते हैं family constellation में। कह रहे इनके father की तो एक और wife थी या इनकी कोई दूसरी relationship भी था। So this is all actually impacted your family and you would not know before this family constellation ki bhai ye sab kahan se ho raha hai, right? Kyun main is, see suppose kya hota hai ki hamari family mein koi agar pagal ho gaya, humne usko mental asylum mein dal diya aur bhul gaye, okay, ya hamara koi relationship tha, us hum relationship mein we were ready to get married lekin wo shaadi maine nahi ki, okay, ya hamare पहले राजे महाराजे या जो जमींदार या जो भी लोग होते थे उनके बहुत सारे बच्चे बाहर भी होते थे, लाइक फैमिली के बाहर भी, ये सारी चीजें हमारी फैमिली में डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं। इवन मिसकैरेज, इवन द अबॉर्टेड चिल्ड्रन, इट इज अ वेरी हैवी एनर्जी। जो आप पितृदोष बोलते हैं, काल सर्प दोष बोलते हैं, ये सब यहीं से आते हैं आपके। तो जब आप ये थेरेपी करते हैं तो वो दोषास भी निकलते हैं आपके धीरे धीरे, ओके। सो जब मिस कैरेज और अबॉर्शन होता है आपकी फैमिली में तो एक्चुअली हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे से कंसर्न होते हैं वो एक्चुअली मेंटली बहुत अलग हो जाते हैं। तो ये और आपकी शादी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। मिस कैरेज एंड अबॉर्शन वाले जो लोग होते हैं जिनके घर में अबॉर्शन बहुत होते हैं, दे ऑलवेज हैव प्रॉब्लम विद द माइंड। वन शुड नॉट गो फॉर अबॉर्शन, नॉट एट ऑल। Miscarriage is still okay because this is not something which is in your hand, but still it works on your family. So basically, hum in bachcho ko bhi aapki family mein jagah dete hain. I have lot of cases, okay, jahan pe bahut paisa tha, bahut, you know, like in Bombay only, I'm just talking about more than 10 families here. Inko paiso ki bahut problem ho gayi, lakho hai, matlab wives, teen teen char char lakh ki हीरे की यू नो रिंग्स पहन के घूम रही हैं। आज वो हालत हो गई कि घर भी बेचना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड द चिल्ड्रन फ्रॉम दैट अफेयर एंड विच वाज फॉरगॉटन टोटली। सो व्हाट हैपेंस, इट ऑलवेज सक्स द एनर्जी बिकॉज देयर एनर्जीज आर नॉट एक्नॉलेज्ड।
उनको फैमिली में लिया ही नहीं गया. सो नाउ दीज किड्स जो आपकी फैमिली के अभी प्रेजेंट के किड हैं जो रह रहे, दे वर ऑल्सो नॉट कनेक्टेड विथ यू, दे विल ऑल्सो फील सम डिस्कनेक्शन समथिंग बिटवीन द पेरेंट्स. एंड पेरेंट्स बोलेंगे पता नहीं मेरे बच्चे को तो somehow he feels lost और हमारे साथ नहीं रहता और हमसे बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग बिहाइंड बैक. ओके, वो एनर्जी समझते हैं. इवन पेरेंट्स में जब लड़ाई होती है तो लोग कहते कह रहे हम तो अपना रूम बंद कर दे, बच्चों तक आवाज नहीं आती. नहीं, आवाज नहीं आएगी, लेकिन दैट एनर्जी चाइल्ड विल फील ऑलवेज, हमेशा जो हो रहा है उसकी एनर्जी क्रिएट हो रही है और वो आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट होगा फॉर श्योर. सो मिसकैरेज और ये अबॉर्टेड चिल्ड्रन हैज अ वेरी हैवी एनर्जी इन योर फैमिली, और उनको उनकी जगह हम फैमिली कॉन्स्टेलेशंस में देते हैं, तब जाके आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. जिनके घर में बहुत सारे अबॉर्शंस हुए हैं, बिकॉज अबॉर्शंस आर विलिंगली यू आर डूइंग, राइट? सो दिस इज बड़ा प्रॉब्लम, ये बड़ा प्रॉब्लम, इसको तो आपको सॉर्ट आउट करना ही होता है. वो हम सीखेंगे फैमिली कॉन्स्टेलेशन में कैसे करते हैं. नाउ इसका जो सेकेंड लेवल पे हम जब जाते हैं तो सिबलिंग्स ऑफ पेरेंट्स, मिसकैरेज एंड अबॉर्टेड सिबलिंग ऑफ द पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स, हाफ सिबलिंग ऑफ द पेरेंट, अनरिकग्नाइज्ड एक्स्ट्रा मैरिटल चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स. सो ये ग्रैंड पेरेंट्स से भी आज आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी पैटर्न है या कोई बीमारी है, आप उसको हो सकता है कि इमीडिएट जनरेशन से ना आई हो, ग्रैंड पेरेंट्स से ना आई हो, लेकिन पीछे से भी आ सकती है उनके, क्योंकि दिस इज योर चॉइस, यू आर चूजिंग इट आउट ऑफ लव एंड लॉयल्टी. देर इज नथिंग कॉल ये नेगेटिव चीज है या पॉजिटिव, इट वॉज एंड एज योर प्रेजेंट जनरेशन आप उसको ले लेते हो कि भाई ठीक है मैं नेक्स्ट जनरेशन हूँ मैं लेता हूँ. लेकिन ये सारी एनर्जी जब तक रिजॉल्व नहीं होगी, ओके, तब तक आपको कभी भी फैमिली में पीस नहीं मिलेगा. लेट्स गो टू द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल पे सिबलिंग ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, मिसकैरेज एंड अबॉर्टेड सिबलिंग ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, अनएक्नॉलेज रिलेशनशिप. इवन If you are not willing to get married to a woman and आपने उसको acknowledge नहीं किया और छोड़ दिया, maybe with the loose ends कि क्या हुआ पता नहीं, that also work on your marriage. Even not only your parents, your grandparents, सब लोग impacted होते हैं, because it was the intention of your grandparents or maybe before to give a place to a lady and वहाँ पे नहीं हुआ, या lady के साथ भी ऐसा ही होता है. जनरली द फर्स्ट रिलेशनशिप वी क्रिएट इन आवर लाइफ, फर्स्ट रिलेशनशिप मे बी फॉर टू डेज इवन वी हैव क्रिएटेड दैट रिलेशनशिप, क्रिएट द लॉन्ग जर्नी, द सेम जर्नी फॉर अनदर रिलेशनशिप. आर यू गेटिंग मी? आई मीन टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इट इज अ वेरी डीप थेरेपी, इट इज अ वेरी डीप, इट हैज अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग कि आपकी फैमिली में जो चीज हो चुकी है उसका जो कनेक्शन है वो आप तक रहेगा ही रहेगा, उसको आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते अनलेस यू हैव दिस थेरेपी. ओके, इवन आपके ग्रैंड पेरेंट्स में क्या हुआ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स के साथ क्या, दैट आल्सो कैन कम टू यू. सो विद इन 3 generations इट इज पॉसिबल दैट आपने वहां से पैटर्न्स लिए हो, जो हमको फैमिली कॉन्स्टेलेशन जब हम करते हैं तब पता चलता है. बट इसके अलावा भी अगर किसी ने मर्डर कर दिया आपकी फैमिली में और आपने उसको घर से निकाल दिया, या किसी ने शादी की, यू नो कि भाई मैरिज की किसी और कास्ट में जो घर के लोगों को पसंद है, आपने उससे संबंध तोड़ दिए, ठीक है, आपने उसके साथ रहना मंजूर नहीं किया, नहीं ये मेरी फैमिली का भाई नहीं, इससे अपनी मर्जी से शादी कर ली, भाई जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, एंड दिस पर्सन फॉरगॉट मी, व्हाट विल हैपन? नेक्स्ट जनरेशन में कोई एक पर्सन उस पैटर्न को लेगा और आपके पास शिकायत आएगी. आपका क्लाइंट बोलेगा पता नहीं मैडम ये ऐसा क्या करता है कि बार बार भाग जाता है, हमें पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है. बिकॉज दिस चाइल्ड इज शोइंग दैट यू हैव, यू नो, किसी को आपने निकाला था, सो नाउ दिस पर्सन आल्सो विल नॉट टेक द इंटरेस्ट इन द फैमिली, वो भी भागेगा. जब आपको ये रीजंस पता लगेंगे तब आप उनको रिजॉल्व करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये बात थी, दैट इज व्हाई. आर यू गेटिंग मी? ओके, great grandparents, unrecognized relationship, war victim, ancestors and heavy fate, serious accidents. Okay, so ye sab bhi aapke upar impact dalte hain.